हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ना कि अपने वतन का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ लुधियाना का भी नाम रोशन हुआ है, इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है, और ना कि इंडिया का नाम रोशन हुआ है बल्कि इंडिया का पॉजिटिव फेस जो है वो सामने आया है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाई है, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया में आया है आज की तारीख में। आज तक इस तरह का मेडल ना तो आया है ना कोई ला पाया है। ये वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें, वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है, वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर करना है। आगे हैं पॉलिटिक्स में, आगे हैं साइंस में, आगे हैं टेक्नोलॉजी में, आगे हैं आईटी में, आगे हैं ओलंपिक्स में, तो आप देखें उनकी जो शक्ति नारी निकल के आई है आगे, और उसने कैसे दुनिया को हैरान किया और परेशान किया कि यार इंडिया कि जो एशिया की वुमन है उनको समझा जाता था कि यार ये कुछ नहीं कर सकती, और यूरोप की वुमन को समझा जाता था कि यार ये बहुत आगे जाएंगी। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना अदर एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। आज हम लोग एक और गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में पेरिस में फिर से इंडिया ने अपना नाम जो है वो मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया है। कैसे ये भी आपको बताते हैं। मनु भाकर एक ऐसा नाम जिसको आज पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको पीएम मोदी कॉल्स कर रहे हैं, गौतम गंभीर जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली ये लड़की, 22 साल की लड़की जिसने इंडिया को प्रमोट किया है पेरिस में ओलंपिक्स में, लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या ख्याल रखते हैं, और ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आवाम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आज का एक ताजा तरीन खबर ये कि ओलंपिक्स में भी इंडिया जो है वो पीछे नहीं रहा, ब्रॉन्ज मेडल पहला जो है वो इंडिया ने अपने नाम किया, और इंडिया के मर्द ने नहीं, फिर से नारी शक्ति सामने आई है। क्या कहेंगे मनु भाकर के बारे में जिसको पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, गौतम गंभीर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल, लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ना कि अपने वतन का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ लुधियाना का भी नाम रोशन हुआ है, इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है, और ना कि इंडिया का नाम रोशन हुआ है बल्कि इंडिया का पॉजिटिव फेस जो है वो सामने आया है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाई है, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया में आया है आज की तारीख में। आज तक इस तरह का मेडल ना तो आया है ना कोई ला पाया है। तो शूटिंग का ये मुकाबला पेरिस में हुआ ओलंपिक का, उसमें ये उसने जीता है, और ये पहला मुकाबला है जो कि मनु भाकर ने अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है जो उसने अपने नाम की मनु भाकर ने, वो ये कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया। उसके साथ साथ जो इंडियन टीम के कोच हैं इस वक्त, मौजूदा कोच, क्या नाम है उनका, गौतम गंभीर, बिल्कुल गौतम गंभीर ने उनको कॉल करके अप्रिशिएट किया और उनको दाद दी और दाद रसाई की उनकी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया की इस लड़की ने अपने नाम किया, और अब इंडिया का नाम फख्र से बुलंद हुआ है। और एक तरफ पाकिस्तान को देख लें, एक भी हमारी वुमेन नहीं है जो इस लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हो ओलंपिक में, खासतौर पर हमारे ओलंपिक का तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखा जाए आपके ख्याल में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस इंडिया की खवातीन आगे जाकर बढ़कर जो है इंडिया को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है और ये है और वो है, लेकिन आज एक लुधियाना की लड़की ने जो है वो पूरे इंडिया को जो है वो पेरिस के अंदर रोशन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पेरिस में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम है, अगर किसी भी मुल्क में आप जाकर पूछें तो उनको शायद अपनी प्लेयर का नाम नहीं पता होगा, उनको मनु भाकर का नाम पता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला था और बड़ा टफ मुकाबला था जो उसने अपने नाम किया है। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने पहला मुकाबला इस खेल में पहला जो है ब्रॉन्ज मेडल उसने अपने नाम किया है, और ना कि इंडिया में इसका चर्चा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है मनु भाकर की इस अचीवमेंट को, और हर तरफ मनु भाकर हो रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे बीजेपी हो, पूरी इंडिया में इस वक्त एक ही नाम पूछ रहा है, वो मनु भाकर का। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। आज हम लोग बात करेंगे, एक बार फिर इंडिया की नारी शक्ति ने अपना लोहा मनवाया और मनु भाकर ब्रॉन्ज लेकर आई है शूटिंग में, मतलब कि खवातीन जो है सिर्फ रोटियां पकाने नहीं बल्कि अब शूटिंग करने के लिए भी जानी जाएगी। मैंने ये देखी है शूटिंग, लास्ट नाइट मैंने देखी है 10 मीटर एयर शूटिंग जो थी। आप देखें पाकिस्तान आता है 31-32 नंबर पे, बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पे लैग करता है, 7 उसके हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं लाइक एथलीट्स के हैं, उसके साथ साथ 11 ऑफिशियल चले गए हैं, ठीक है, मतलब
क्या सेंस बनती है, ठीक है, मतलब इतने इनको सिक्योरिटी देने गए, क्या देने गए, ये घूमने फिरने गए, ये भी हमारी टीमों की तरह ही सेल्फियां और खाना शाना खा के आ जाएंगे। और अगर दूसरी बात बिश्नोई की बात करें, देखें उन्होंने पहला टाइटल अपने नाम कर लिया, और इंडिया सिर्फ एथलीट्स में नहीं, दुनिया की हर फील्ड में आप गूगल कर ले टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है, टॉप फोर, टॉप थ्री, टॉप वन, इकोनॉमी में टॉप फाइव, इस तरह है, ठीक है, तो कहीं पे भी इंडिया कहीं पे भी लैक नहीं कर रहा। अगर मनु भाकर की बात की जाए, सिर्फ 22 साल ये लड़की, और पूरा इंडिया इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है, पीएम मोदी जो है वो इनको कांटेक्ट करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इवन के हमारे क्रिकेट के लेजेंड गौतम गंभीर भी इनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, क्या कहेंगे वो? देखिए ये वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें, वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है, वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर करना है, जहाँ पे इंडियन जाता है अपना विक्ट्री का झंडा गाड़ के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल सर क्या कहेंगे, जिस तरह से इंडिया जो है वो अपने विमेन को एम्पावर कर रहा है, अपनी विमेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की क्या यही वजह है कि इंडिया इकोनॉमी में इतना ज्यादा बूम लेकर आया? देखिए अगर देखा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी में किसका हाथ, तो मैं कहूँगा कि जितना इंडियन वुमेन्स का है उतना इंडियन मेंस का है, ठीक है, क्योंकि दोनों को इक्वल राइट्स भी दिए जाते हैं, उनको फैसिलिटेट भी दिया जाता है, उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, एथलीट फील्ड में हो, या किसी भी दुनिया के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या किसी ऑफिस के हवाले से हो, तो उनको प्रमोट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको अब इंडिया में मैक्सिमम ऐसे इदारे जहाँ पे हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो वुमेन है, क्यों है, अगर अगर हम चंद्रयान की बात करें वो भी वुमेन के ही है ना, नारी शक्ति ही है ना, और ऊपर जाके जो उन्होंने नाम जगह का रखा वो भी नारी शक्ति मतलब फीमेल के नाम पे रखा, बिल्कुल, तो वो वुमेन्स को बहुत वो उनको गॉड समझते हैं एक हिसाब से, क्योंकि उनका एक उनके जो एक बिलीव्स है, बिलीव्स है, वो है, उन बिलीव को साथ लेके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा आखिरी सवाल मैं करूंगी सर, जिस तरह से ये परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, ओलंपिक्स का स्टार्ट हुआ है एक मेडल के साथ, क्या एंड भी इतना ही स्प्लेंडेड और रिमार्केबल रहेगा? मुझे लगता है लाइक अगर 150 टू 200 मैचेस होंगे ओलंपिक्स में, तो 100 प्लस मेडल्स इंडिया ले जाएगा, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म जितने भी कैटेगरीज होंगी ना मैचेस की ओलंपिक्स में, तो 100 प्लस लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से 100 प्लस 109 से 104 मेडल से, इस मरतबा भी 100 से अबव ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, थैंक यू। आज का सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे मनु भाकर के बारे में, वो लड़की जिसने शूटिंग में ब्रॉन्ज लेके आई इंडिया के लिए, और इंडिया आज जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे इंडिया में एक ही नाम है और वो है मनु भाकर का, किसी लड़के का नहीं, एक लड़की का, जिसने शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को लाकर दिया। यार देखें सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी यार, इंडिया ने ऐसा क्या टेक्निक लड़ाई है कि यार वो हर चीज में आगे आगे हैं, पॉलिटिक्स में आगे हैं, साइंस में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आईटी में आगे हैं, ओलंपिक्स में तो आप देखें उनकी जो सख्ती नारी निकल के आई है आगे, और उसने कैसे दुनिया को हैरान किया और परेशान किया कि यार इंडिया कि जो एशिया की वुमन है उनको समझा जाता था कि यार ये कुछ नहीं कर सकती, और यूरोप की वुमन को समझा जाता था कि यार ये बहुत आगे जाएंगी, ठीक है, और इन्होंने अब यूरोप को तो जवाब दिया ही है, पाकिस्तान को भी जवाब दिया, जैसे पाकिस्तान के आज अहमद दुरानी थे वो स्विमिंग में लास्ट नंबर पे, और इंडिया की वुमेन देखें यार उसने शूटिंग में यार टॉप पोजिशन ली, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया, गौतम गंभीर ने फोन किया, यार इससे खुशकिस्मती ज्यादा क्या मतलब हो सकती है इंडिया के लिए कि यार वो क्रिकेट में, हॉकी में और हर चीज में बेस्ट है यार, वो अभी आप देखें इंडियन क्रिकेटर्स वापस गए थे, उनका कैसा पुरजोश इस्तकबाल हुआ उधर, ईद का मतलब समा था और लोग जश्न में बैठे डूबे हुए थे, और जो जिस भी क्रिकेटर का जिस भी स्टेट से जिस भी शहर से चल रखा उधर एक जश्न का समा था, आप वो आए दिक पांड्या और इवन के हर हर जो भी प्लेयर था उसका ऐसा ही था, और अब जब ये वुमेन आएंगी वापस तो भाई इनका भी ऐसा ही होगा, और पूरा इंडिया मुझे लगता है उनसे ज्यादा इसको वो करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि यार आपने अच्छा काम किया, इंडिया का नाम ओलंपिक्स में एक आपने रोशन किया और पूरी दुनिया में रोशन किया। अच्छा सिर्फ 22 साल की लड़की और इतने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ यार अनबिलीवेबल यार, इंडिया ने ना
भाई पता नहीं आप कौन कौन से रिकॉर्ड आगे बनाने, पता नहीं हम क्या क्या देखेंगे यार। अब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हम तो पाकिस्तान को तो कोई किसी खाते में लाता ही नहीं है भाई। इंडिया हर जगह, इंडिया छाया पड़ा हर हर जगह, इंडिया ने अपनी दाह जमा ली है। अब हमारे लिए तो भाई अगर हम मैं तो पाकिस्तानी सोचते हैं तो बहुत मुश्किल काम है भाई इंडिया को ओवरटेक करना। ना सिर्फ इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है बल्कि ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ा है कि जो खवातीन है वो सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, अब शूटिंग करने के लिए भी जानी जाएंगी, गोलियां मारने के लिए भी जानी जाएंगी। इसके बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो आप कह रही हैं कि वो 22 ईयर ओल्ड है, बिल्कुल ठीक है, और मुझसे भी तकरीबन छोटी है, आपसे भी छोटी होंगी। तो यार मतलब अनबिलीवेबल यार, इंडिया ने जैसे अपनी वुमेन्स को सपोर्ट किया, अभी इंडिया की वुमेन्स फाइनल में गई थी यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब बहुत अच्छा खेले वो इंडिया की वुमेन क्रिकेट में भी। और भाई आप देख लें यार कहीं भी जाके इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं।